नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा फेसबुक पेज और ब्लॉगर पेज फॉलो नहीं किया है उसको भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने गांव घेटी के बारे में। मैं इसकी वीडियो अलग अलग पार्ट में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं बात करूंगा आज की वीडियो में अबाउट फॉर घेटी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को घेटी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में शॉर्ट में आपको घेटी के बारे में दूंगा। और इस घेटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बात आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। उसी के तहत आज मैं आपको अपने गांव घेटी के बारे में बता रहा हूँ। घेटी उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में गरुड़ तहसील में एक गांव है जो जिला मुख्यालय के कार्यालय से बागेश्वर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बैजनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों तरफ कत्यूर की घाटियों से घिरा हुआ घेटी गांव जो है वो समतल एरिया में स्थित है। दोस्तों, यहां से आपको कत्यूर की जो घाटियां हैं, हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है वो कत्यूर की घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। कत्यूर की घाटियां कहा जाता है। यहां पे जो घाटियां आपको नजर आएंगी आसपास घेटी गांव से वो सब कत्यूर की घाटियां हैं। दोस्तों, घेटी गांव जो है मुख्य रूप से चार नामों से जाना जाता है, अलग अलग चार नामों से जाना जाता है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र है वो एक ही है। पूरा ब्लॉक जो है, जो गांव है वो एक ही है, जिसमें से मैं चारों के नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला चफू हो गया, दूसरा घेटी, तीसरा मोहर घेटी और चौथा भनार। और यहाँ का पास जो पोस्ट ऑफिस पिन है वो है 26 36 35। और यहाँ का डाक जो प्रधान कार्यालय है वह डंगोली में स्थित है, जो कि गरुड़ यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डंगोली। दोस्तों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो घेटी के आसपास के गांव हैं उनके बारे में, उनके नाम और वो कितने किलो डिस्टेंस, कितनी कितनी दूरी पर घेटी गांव से दूरी पर स्थित हैं। सबसे जो नज़दीकी गांव है घेटी से वो भिलकोट और हरिनगरी जो लगते हुए गांव हैं, और अमस्यारी गलई 1 किलोमीटर है, हरिनगरी 2 किलोमीटर, वजूला 2 किलोमीटर, परकोटी 2 किलोमीटर, अमस्यारी 2 किलोमीटर। घेटी के जो निकटतम दोस्तों गांव हैं वो ये हैं। घेटी की जो उत्तर में पड़ता है, अब मैं आपको कुछ ब्लॉकों के नाम बताऊंगा जो घेटी के निकटतम स्थित हैं। जो घेटी के दोस्तों घेटी के जो उत्तर में पड़ता है वो है देवाल ब्लॉक और थरारी ब्लॉक पड़ता है, और दक्षिण में ताकुला ब्लॉक पड़ता है, और गरु जो पूर्व में है वह बागेश्वर ब्लॉक से घिरा हुआ है घेटी गांव। दोस्तों, आगे मैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार जो घेटी गांव है उसकी जनसंख्या विवरण के बारे में बता रहा हूँ। घेटी की जो स्थानीय भाषा है वह मुख्य रूप से पहाड़ी है, और जो राष्ट्रीय भाषा है वो हम सभी लोगों की हिंदी है, ये आप सभी जानते होंगे। घेटी ग्राम में कुल जनसंख्या 736 है और इसमें 145 घर मौजूद है पूरे घेटी गांव में। जो महिला साक्षरता दर है, जो महिला जनसंख्या दर है घेटी गांव में, वो 54.1% है, और साक्षरता दर जो है पूरे घेटी गांव की वो 72.0 है, और महिला साक्षरता दर जो घेटी गांव की है वो है 36.3। तो दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार थी। मेरा मानना है कि उसके बाद इन आंकड़ों में काफ़ी बदलाव आया होगा, और जो साक्षरता दर हमारे गांव की है वो काफ़ी हद तक बढ़ी होगी। दोस्तों, जो घेटी के निकटतम शहर हैं उनके कुछ शहरों के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रानीखेत, हल्द्वानी, ये जो शहर हैं ये घेटी गाँव के नज़दीक हैं। दोस्तों, मेरे घेटी गांव में जो है वो बेसिक सुविधाएं लगभग सभी हैं। हॉस्पिटल यहां पे है, लाइट की सुविधा है, सड़क है, और स्कूल जो है वो प्राइमरी है, और लेकिन प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। तो दोस्तों, सुविधाएं लगभग बेसिक जो है वो सब है, लेकिन उसमें निरंतर सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे गाँव घेटी के बारे में।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे ब्लॉगर पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं घेटी के ही किसी टॉपिक पर बनाऊंगा, तो जुड़े रहे मेरे साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।